यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की पर ध्यान की लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की पर फोकस एक ही होता ही नहीं यार। तारीख बहुत नजदीक है लेकिन मन एक ही लगता ही नहीं यार। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ सच कहा तुमने, सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है, संदीप माहेश्वरी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एम एस धोनी ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या अनपढ़ गंवार है? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा उससे कई गुना बुक यह हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता, अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते नई बुक्स पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला सको, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कंपेयर कर पाओ, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी की जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया वो दुनिया का कौन सा काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का ऐसा कोई सा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्पररी मजे के बेस पर, और टेम्पररी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान अपने मन पर काबू पा लिया उसकी तो लाइफ सेट है, लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अब भी टाइम में सुधर जाओ। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किए थे उनका पश्चाताप तुम अभी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है एक जिद की। तुम्हारे अंदर अगर कोई जिद उठ गई है बस उसको बनाए रखना। बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है, पढ़ना शुरू। लेकिन आधे घंटे में बोरियत आने लगी, एग्जाम नजदीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ वो एक तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कितने टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ जाएगा, अब मेरी हालत बस से बदल हो चुकी है। अबे अपना मुंह बंद कर, यूट्यूब खोल, अमित पढ़ाना, बेबी क्वाइंस, दीपक भैया, संदीप महेश्वरी, विवेक मेहता, जिसके वीडियो देखने दे और फिर से पढ़ने बैठ। अब बस, अब मैं काफी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफी है, कल कर लूंगा। नहीं दोस्त, कल कभी नहीं आता, अपने पापा की वजह से बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तुझे पढ़ना है, तुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए जो इंतजार है इंतजार पूरी जान लगा दे। दो ऑप्शन है, सिर्फ छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस घमंड ना करना, मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत हार चुका हूं, मैं बहुत थक चुका हूं, मुझसे नहीं होगा यार। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। लेकिन बस एक टाइम, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। लोग इंतजार करें।